के मुकाबले में शायद कोई नहीं है जो सपना देख रहा है कि 2024 में जो चुनाव होगा तो 2024 के चुनाव में हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझको लगता है कि जो 46 सपना देख रहा है जैसा सपना की हमारे चिराग पासवान जी देखा करते थे विधानसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने चिराग पासवान भी आज तक भाजपा के किसी नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पशुपति पारस ने अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान पर बड़ा बयान दिया है। जब से अलग हुए हैं चिराग पासवान से गाये बगाये कुछ वक्त के अंतराल के बाद ही सही, चिराग पासवान पर वो हल्ला बोलते रहते हैं। इसी कड़ी में आज उनकी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक थी। 2024 के लिए किस तरीके से विरोधियों के खिलाफ बिसात बिछानी है, इस पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की और चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया भतीजे चिराग को लेकर, तो देखिए किस तरीके से चाचा का गुस्सा जो है फूट पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी प्रदेश के प्रत्येक यूज के हमारे अध्यक्ष थे और प्रदेश पदाधिकारी और साथ ही बिहार के जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सभी लोग की एक बैठक आज थी। संगठन मुख्य रूप से संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बिहार में अभी कुछ विशेष परिस्थिति हुई है। 1.5 महीना पहले जो सरकारें थी बिहार में, एनडीए समर्थित सरकारें थी, वो सरकार पाला बदल के दूसरे दल में चला गया। लोग वोट लिया एनडीए का और सरकार बनाने के लिए दूसरे दल में गया। जो शुरू से बिहार के बारे में वो कहता था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 2005 तक बिहार की स्थिति बहुत बदतर थी। पूरे देश से कोई बिजनेसमैन व्यापार करने बिहार में नहीं आता था। आज एनडीए गठबंधन को छोड़ के कुछ लोग उसके गोद में चले गए। केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है और बहुत ही ताकत के साथ हमारी सरकार है और हमारे जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मुकाबले में शायद कोई नहीं है जो सपना देख रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा तो 2024 के चुनाव में हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझको लगता है कि जो 46 सपना देख रहा है कि मैं सपना देखा हो कि तुम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे तो वो पार्टी तोड़ के अलग होगी। आज बेचारे की क्या दुर्गति है सबको पता है। उसी तरह बिहार में जो अभी एनडीए गठबंधन को छोड़ के दूसरे दल में गए हैं, उनकी भी दुर्गति वही होने वाली है 2024 के चुनाव के बाद। और मैं तो समझता हूं कि 2024 के चुनाव के पूर्व ही बिहार सरकार ध्वस्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है उस दिन से संजोग खराब है बिहार सरकार। उस दिन से कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। बिहार सरकार का लॉ मिनिस्टर पर वारंट इशू हुआ है, कुछ लोग दागी लोग हैं, काफी लोग उसमें दागी हैं। बिहार सरकार में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये सरकार जब बिहार सरकार और भारत सरकार पहले एक साथ हम लोग थे तो बिहार का काफी विकास हो रहा था। आज बिहार का विकास है उसमें चिराग पासवान भी है। आज तक भाजपा के किसी बड़े नेता हो या छोटे नेता के मुझे सुने कि चिराग पासवान मंत्री बने, लेकिन उनका आदमी अब पोर्टल का जो रोज ले रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे। आप परसों चिराग पासवान का बयान आया कि नहीं मंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। कल उनका बयान आया राजगीर से, मैं अभी किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, 24 तक मैं अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करूंगा, 24 में मैं फैसला करूंगा कि मैं इधर हूँ कि उधर हूँ। वो नहीं एनडीए में है न महागठबंधन में, अन्य एनडीए के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और महागठबंधन के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ नीतीश जी बैठे हुए हैं।
अच्छा तो जब एनडीए में नहीं, जाहिर तौर पर पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ा। वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं और उनकी जो पुलाव है वो पकने वाली नहीं है। अब इस बीच देखिए, चिराग पासवान 3 दिवसीय राजगीर में वो अपनी पार्टी की बैठक करते हैं और विजन जो है वो पार्टी पदाधिकारियों को 1-to-1 क्लियर करते हैं किस तरीके से साल 2024 और 25 के लिए तैयारी करनी है। और वो बताते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाइए, घूमिए और जो हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोगों के सामने रखिए। तो कुल मिलाकर चिराग जो हैं वो चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। कल हमसे भी बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कर दिया था कि ये बैठक जो है वो साल 2024 के लिए चुनावी बिगुल था और उसके एक दिन बाद पशुपति पारस का भतीजे पर निशाना साधना ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि अभी भी खटास जो है वो बरकरार है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये खटास 2024 से पहले कमेगी। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।